हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले। स्किल टेस्ट चल रहा है, सभी को मालूम है। आज जो है 12/4/2023 का जो स्किल टेस्ट हुआ, देहरादून और आगरा दोनों जगह की बात करने वाले हैं। हर दिन जॉब एक ही आ रहा है। अगर आपने जॉब प्रोसेस लिखना नहीं सीखा है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख ले। मैं ज्यादा देर समय नहीं लूंगा, हर दिन एक ही बात को दोहराना मुझे ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी अपडेट देने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। देखिए, आज जो आगरा में आया, इस तरह का जॉब आया था जिसकी लंबाई थी 63 mm और चौड़ाई थी 58 mm, ठीक है। इसमें जो यहाँ जो है डील करना था 6 mm का। हर दिन वही आ रहा है, बस डायमेंशन में अंतर है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि इसकी मोटाई कितनी थी, मेटल की थिकनेस कितना था, तो वह जो था 6 mm। आगरा में हर दिन वही है, बस केवल डायमेंशन चेंज है, 6 mm था। अब कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो वो कहेंगे कि सर कितने घंटे में बनाना था, तो वो जान जाए 1 घंटे के अंदर में आपको बनाना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन्होंने जो भेजा। सभी लोग एक चीज जब कह रहे हैं कि सर आपका जो 1 घंटे का वीडियो था ना, वो बहुत ही लाभदायक है। अगर आपने भी नहीं देखा है तो वो 1 घंटे का वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, DRDO स्किल टेस्ट के नाम से बना हुआ है, उसमें जाएं और 1 घंटे का वीडियो वो जरूर देखें, ठीक। अगर आप नहीं देखते हैं, अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो आप स्किल टेस्ट का वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून में आइएगा, देहरादून में यही जॉब बनाना है। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे थे सर इसका लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, तो लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो मेटल तो वहां काट के मिल रहा है ना, मेटल तो आपको उपलब्ध कराया गया था, तो इस आधार पे हमने आपको बताया था कि ये जो है इसकी लंबाई चौड़ाई है। लेकिन आपको पसंद नहीं है तो हम आपके बाद लिखना छोड़ देंगे, बस आपको ये बता रहा है 23 और 27 का जो है कॉर्नर कटिंग करना था, इन दोनों एज को जो है 90 डिग्री पे समकोण करना है। ये जो मेटल की मोटाई था, ये जो था 10 mm था, कितना था 10 mm। यहाँ भी जो है आपको 1 घंटे के अंदर जॉब बना लेना है और प्रोसेस भी लिख लेना है। अगर आप प्रोसेस लिखना नहीं जानते हैं तो जाके प्लेलिस्ट से सीख लीजिए। और इसमें जो है देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि सर दो एज सब, कुछ कुछ विद्यार्थी हमको बताया फोन पे, आपने भी सुना होगा कि सर एज बराबर नहीं करना है। तो भैया, आपको दो एज तो हर हालत में समकोण करना ही पड़ेगा 90 डिग्री। अगर मार्किंग करना है तो दो एज समकोण नहीं कीजिएगा। उन्होंने कौन सा एज मना किया? ये वाला एज जो है, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं और ये वाला भाग, अगर ये जो है एज समकोण नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला भाग जो है प्रॉपर 90 डिग्री में आपका मिलना चाहिए। प्रॉपर 90 डिग्री में ये वाला जो कटिंग है वो भाग आपको मिलना चाहिए, तभी आप स्किल टेस्ट में पास हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लैट सतह की, ऊपर और नीचे वाले सतह की, उसे फाइलिंग करना है कि नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि ये इसका जो है फाइलिंग नहीं करना है, लेकिन आपको मार्किंग करने के लिए करना पड़ेगा, अपने अनुसार से देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा 6 mm का डील करना है। कुछ लोग जो लोग नए जुड़े हैं वो जान जाए, वर्नियर हाइट गेज डिजिटल और मैनुअल दोनों मिल रहा है। अब किसी किसी का सवाल था कि सर ड्रिल मशीन कितना मिल रहा है। मान लीजिए ड्रिल करने, तो ऐसा नहीं है कि लाइन लगाना पड़ा, नहीं, लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। DRDO स्किल सेंटर के जो है वहां पे जो है बहुत सारे ड्रिल मशीन लगे हुए हैं, जो आप जिस पर आपकी इच्छा हो वहां पे जाके आप ड्रिल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। एक चीज और फायदेमंद है, अगर किसी का बर्नियर हाइट गेज खाली है और आपके मित्र आपके टेबल पे मार्किंग कर रहे हैं, तो आप जाके दूसरे बर्नियर हाइट गेज से मार्किंग कर सकते हैं। हर दिन एक ही बात को बताना हमें भी थोड़ा और टाइप का लगता है, और जो लोग नए हैं वो लोग जानना चाहते हैं तो कल सुबह 7:30 बजे हम लोग, मतलब कहने का अर्थ है 13 तारीख को मॉर्निंग 7:30 में लाइव जुड़ने वाले हम लोग। विद्यार्थी से जो आगरा से सेंटर से थे वो जो है हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आपको जो सवाल पूछना होगा उस समय कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि आपके सवाल इतने हैं कि हम थक जाते हैं लेकिन आप नहीं थकते, पता नहीं कहाँ से इतना सवाल आ जाता है। और देखिए, जबकि हम सभी को
पूरा पूरा गाइड करते हैं और कोशिश रहता है कि आप स्किल टेस्ट अच्छा से बेटर दे के आए। अभी भी सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों को मार्किंग करने नहीं आ रहा है, तो ऐसे गलती नहीं कीजिए। जब बार बार यही चीज आ रहा है तो आप मार्किंग करके क्यों नहीं जा रहे। अगर आपको मार्किंग में जोर से ज्यादा दिक्कत है तो आप कहिए, एक दिन हम मार्किंग करके भी दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको मार्किंग करना है। मुझे लगता है कि पूरी जानकारी हमने आपको दिया है बहुत कम समय में। अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले। अगर डीएसडीओ से संबंधित प्रोसेस जानना है, पूरा स्किल टेस्ट के बारे में जानना है, तो सब वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। ये अगर आप एक घंटा समय देते हैं उस वीडियो पे, वो एक घंटा आपके डीआरडीओ के लिए आपके भविष्य बदल सकता है, आपके भविष्य को बदल सकता है। इसलिए जो है आप एक घंटा जाके देखिए, कुछ आइडियाज मिल जाएगा जो आप जॉब बनाने में बेटर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।